नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं MR मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आज माहौल चल रहा है आजकल का, और जो दिक्कतें आ रही हैं उसके विषय में बात करेंगे। क्योंकि हम लोग एक सिस्टम से रहते हैं और सिस्टम को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, और इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि अभी आप देखिए प्रकृति का नियम बदलाव, प्रत्यय का नियम बदलाव, ग्रोथ बदलाव, इस चीज़ को अभी आप देख रहे थे कि इस कोरोना महामारी में 2020 निकल गया COVID-19, उसके बाद में फिर ये महामारी चल रही है उसी का दूसरा रूप, और ऐसा नेट के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा जानकारी हो रही है कि तीसरा आने वाला है। चलिए खैर वो तो एक अलग की बात है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है, तो आपदा आपदा है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मुझे लगा, मैं सोच रहा था कि इस चीज़ को कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो मुझे समझ में आई कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज, और इसीलिए मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आज रविवार दिन है, मेरा आपसे बात करने का, रूबरू होने का मौका है मुझे। तो दोस्तों आज के हम बात करेंगे कि जो वायु आज से इस मतलब इस 2021 से पहले या 2020 से पहले ऑक्सीजन की इतनी मारामारी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी दोस्तों। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कोई भी चिकित्सा हो, उसमें ऑक्सीजन की इतना प्रॉब्लम नहीं आता था। हाँ एम्बुलेंस में ज़रूर लगाते थे क्योंकि एम्बुलेंस एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा यान है, ऐसी गाड़ी है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती क्योंकि आदमी उसमें इमरजेंसी में ही जाता था। लेकिन दोस्तों आज की जो ज़रूरतें हैं वो इसलिए हर पेशेंट को लगभग लगभग ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जो कोविड काल में लोग एक्सपायर हुए हैं आपके आस पड़ोस के आपके लोग, तो वो 70% ऑक्सीजन की वजह से ही एक्सपायर हुए हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन की दिक्कत कहाँ से शुरू हुई, आइए चर्चा करते हैं उस पर। हम बहुत समय आपका ख़राब ना करते हुए इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण से ये सब दिक्कतें आई हैं और शरीर में। तो इस चीज़ को हम अगर थोड़ा सा नॉर्मली तरीके से अपनी ज़िंदगी में जो बात की जाए कि इसको अच्छे ढंग से कैसे किया जाए, दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए पॉलिसी करते हैं क्या, ताकि हम दुनिया में ना रहें तो कुछ लाभ हम हमारे बच्चों को, हमारे गार्जियन को, हमारे नॉमिनी को मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात है वो इस बात के लिए कहने के लिए मैं इस बात ये कह रहा हूँ, जो पॉलिसी कराते हैं और कराते हैं, हम भी कराते हैं, आप भी कराते हो, सभी लोग अपना भविष्य लेके चलते हैं। तो दोस्तों मुझे लग रहा है, मुझे सेल्फ की मेरी अपनी बात है कि मुझे लग रहा है कि हमें पौधे लगाने चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए। क्यों? पेड़ अत्यधिक कटते जा रहे हैं और उसके अवज में लग नहीं पा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत मतलब एक बड़ी विडंबना है, बड़ा दर्द है देश का कि कटने का दर ज़्यादा है और उसका होने का कम है। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस चीज़ को जान रहे हैं कि अगर आने वाले समय के लिए हमने तैयारी नहीं की तो निश्चित रूप से परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं, दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम किसको कहेंगे, ना सरकार को कह सकते हैं, सरकार सपा भाजपा बसपा किसी की हो, मैं सरकार की बात नहीं करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इसकी तैयारी आने वाले वंश के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी बाल्यावस्था में हैं, छोटे हैं, उनके लिए अगर हम तैयारी करें तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम ग्रोथ कर जाएंगे। और जो एक प्रयास है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो इसके लिए मैं दिव्यांगम चैनल के और विकलांग साथी ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री विष्णुकांत मिश्रा जी, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो कम से कम अपनी संस्था के द्वारा 1000 पेड़ लगाने का संकल्प लें और इसे अच्छी तरीके से रख रखाव में लगाएं, ताकि आने वाले 2-3-4 सालों में हमें उस चीज़ की कभी ना हो जो अभी मारामारी। 500 रुपये का सिलेंडर आपको 25,000 में, 30,000 में, मतलब जान के एवज में उस गैस का, ऑक्सीजन का, गैस कह सकते हैं, ऑक्सीजन का मोल लिया जा रहा है, ब्लैक में बेची जा रही है, अन्य देशों ने हमारे देश को सहयोग दिया है। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज मोटिवेशनल की बात नहीं करेंगे, आज हम अपने जीवन को सुधारने की बात करेंगे और जीवन अपने बच्चों के जीवन की बात करेंगे। आप हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं उनके विषय में बात करेंगे।
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा चीज है जो सबको चाहिए। ये जाति धर्म मजहब कुछ नहीं देखता, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान देखता है, जानवर देखता है, जो जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसको हमें और आपको और जो इस मेरे यूट्यूब चैनल को जितने लोग भी देख रहे हैं वो लोग से निवेदन है कि कृपया अपनी अपनी संस्था द्वारा 1,000 10,000 2,000 जैसी श्रद्धा हो, जैसे उनका सिस्टम हो, दिक्कत ना हो, और इस चीज़ को लगाएं और अपने लोगों और इसको सरल करने का तरीका दोस्तों मुझे जो समझ में आया कि जिसकी संस्था में जितने भी लोग हो, चाहे दिव्यांगम चैनल हो और चाहे विकलांग साथी ट्रस्ट हो या जितने भी लोग संस्था से हैं, तमाम संस्थाएँ हैं हज़ारों की तादाद में, हर जिले में हैं, हर प्रदेश में हैं, हर देश में हैं, लेकिन उनको ये करने की ज़रूरत है कि आने वाले 3 से 4 साल में हम उसको आगे बढ़ाएं। क्यों? तब की व्यवस्था हमें करनी, 5 साल आने 2021 चल रहा है तो 2025 की व्यवस्था हमें ही करनी होगी, अपने बच्चों के लिए करनी होगी, अपने परिवार के लिए करनी होगी, अपने स्वयं के लिए करनी होगी। क्यों? क्योंकि उस ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कि हम उस चीज़ को करें। पौधे लगाएं, अच्छे अच्छे बरगद का पेड़ लगा सकते हैं, नीम का, जामुन का, आपके आपको जो सही लगे, किसी की ऑक्सीजन कम है, किसी की ज़्यादा है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर एक पौधा लगाएं। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने घर के आगे 1, 2, 3, 4 पेड़ लगा सकते हैं जो आने वाले समय में हमें, हमारे परिवार को, हमारे सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऑक्सीजन देने का काम करेंगे, हमें जीवन देने का काम करेंगी। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं भली बात कि 70% लोग कोविड में, कोरोना काल में 70% लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से ही एक्सपायर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस चीज़ को हमें अभी समझ लेना है, सोच लेना है और इस पर काम कर देना है। क्यों? आप जितने लोग भी योग्य देख रहे हो इस दिव्यांगम चैनल को, मुझे देख रहे हो, तो मैं ये जान रहा हूँ आपसे और आप भी जान रहे हो कि ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी है, बहुत है, अत्यधिक है। क्यों? पेड़ दर कटना ज़्यादा है और उग नहीं रहे हैं, तो इस चीज़ को, बागों को काट कर प्लाटिंग की कर रहे हैं लोग। तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है मित्रों। समय बहुत कम है, आपके पास भी, मेरे पास भी समय बहुत कम है और टारगेट बहुत बड़ा है। तो अगर मेरे इस YouTube से और दिव्यांगम चैनल के सौजन्य से अगर 1,000 पेड़ लगाने की मुहिम चला दी जाए तो मुझे लगता है कि अगर 10,000 संस्थाएं हैं, 10,000 संस्थाओं को हम अगर 1,000 से गुणा कर देंगे तो लाखों और करोड़ों में हमारे पौधे और वृक्ष पहुंच जाएंगे। इससे आने वाले 2 साल में 3 साल में 4 साल में हम उस चीज़ को इतना सिस्टमेटिक ढंग से कर देंगे कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कि उस चीज़ को हमें खरीदना पड़े। बड़ी बड़ी दर्द के साथ कहना मुझे पड़ रहा है कि ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है और वो भी मुँह मांगे दामों में, कालाबाजारी भी हो रही है, मैं इससे अलग नहीं हूँ। और क्यों? क्योंकि हमने अपनी अभी तक के अपनी आराम सोची, सिर्फ अपनी आराम, एमआर मंसूर ने अपनी आराम सोची और तमाम लोगों ने, अब सभी लोगों ने, सभी मानव जाति ने अपनी आराम सोची। हमने अपने बच्चों के लिए, आने वाले समय के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो प्रकृति से जुड़ा हो। अपने बच्चों की पॉलिसी कराई है, अपने बच्चों का चिल्ड्रन प्लान लिया है, अपने माँ बाप का किया है, लेकिन आने वाले क्या 5 सालों के लिए हमने कोई तैयारी की? नहीं की। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एमआर मंसूरी आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि कम से कम 2 से 3 पेड़ लगाएं और जितनी भी संस्थाएं हैं 1,000 10,000 21,000 जितनी भी हो सकते हैं 500 उतने पेड़ लगाएं और एक समाज में अपने ज़िंदा होने का, अरे ऐसे तो ज़िंदा सब लोग, जानवर भी ज़िंदा है, इंसान भी ज़िंदा है, लेकिन अपने ज़िंदा होने का हर संस्था सबूत दे, हर इंसान सबूत दे और किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ समाज के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, ऑक्सीजन के लिए। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की हमें ज़रूरत आगे और पढ़ने वाली है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि 2021 चल रहा है और उसको 2025 तक आते 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 ऑक्सीजन दर कितनी कम हो जाएगी, पानी कितना नीचे जा चुका है, ये आप लोग जान रहे हो। तो इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत है। तो हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए और इस वीडियो आज का सिर्फ और सिर्फ आने का मेरा मकसद यही है दोस्तों कि हम उस चीज़ ऑक्सीजन को लेके बात किए और इसको आगे बढ़ाएं। तो मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं आपको अगले संडे को 11 पेड़, बहुत अधिक नहीं, 11 अलग अलग किस्म के पेड़ लगाकर और इसमें फ़ोटो डालने का प्रयास करूँगा, अगर सभी चीज़ें ठीक रहीं
तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर 11-11 5-5 पेड़ आप लोग लगा ले तो संख्या हमारी इतनी भारत में है कि अगर एक पेड़ एक आदमी ने लगा दिया तो मुझे लगता है 2-3 साल में ऑक्सीजन की ऐसी मारामारी नहीं हो सकती, चाहे कोरोना हो चाहे कोई नई बीमारी आने वाली हो, 5G लोग जो तमाम सी विभिन्न बातें कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस चीज़ को कभी कमी नहीं होगी। तो इस चीज़ को आपको प्लीज़ करिए, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए इस तर्क पे, इस बात पे कि कहीं देर ना हो जाए, हमें अपनी तैयारी कर लेनी है, ऑक्सीजन की तैयारी कर लेनी है कि कहीं देर ना हो जाए, और हमें इस चीज़ को करने का प्रयास करना है और कर देना। क्योंकि ये मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ अपने लिए आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके रिलेशन वालों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, कि इस पेड़ों को लगाएँ। और 3 से 4 साल में बरगद और नीम का पेड़ ऐसा हो जाता है, आप भी जानते हो, कि ऑक्सीजन देने लायक हो जाता है और वो एक विशाल रूप धारण करने के अग्रसर रहता है, कि उसमें एक मोटी टहनी हो जाती है, तमाम पत्तियां आ जाती हैं जिससे ऑक्सीजन मिलती है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है। और पेड़ आज ही संकल्प, यहाँ संडे है, आज मैं इस चीज़ को मतलब बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जो 16 तारीख है, तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम एक हफ्ते में, 4 दिन में 5 दिन में जब भी आपका समय हो तो पेड़ जरूर लगाएं। तो मैं एम आर मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट की शुरुआत करूंगा और 11 पेड़ मैं अगले रविवार तक मैं लगाऊंगा, जिसकी फ़ोटो खींचकर संभवतः आपको मिश्रा जी को दूंगा और वो करेंगे। और दिव्यांगम चैनल के निर्माता निर्देशक श्री विष्णुकांत मिश्रा जी से, अपने पूरे ट्रस्ट के, उससे मैं आग्रह करूंगा कि वो कम से कम 1000 पेड़ विभिन्न स्रोतों से लगवाएं और उसको देखरेख करवाएं, उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से करवाएं किसी योग्य आदमी से। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक सिस्टम है, जब तक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक हमें कुछ नहीं होता है, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे परिवार हो, मुखिया हो, जब तक सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक ये कुछ भी होना असंभव लगता है और हो भी जाता है। तो इस चीज़ को मैं आपसे बहुत बहुत गुजारिश करूँगा, फिर पुनः गुजारिश करूँगा कि ऑक्सीजन पे हमें बात करनी है। जरा सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि 2022-23-24 में कितनी मतलब ऑक्सीजन कम हो जाएगी, परिवार की संख्या कम नहीं हो सकती है, और उसमें हम लोगों का कुछ भी बस नहीं चल सकता कि बेटा तुम ऑक्सीजन कम लो, माँ आपका ऑक्सीजन कम लो बेटा, और पत्नी से कहा जाए कि ऑक्सीजन कम लो। ये जो एक कुदरत ने सिस्टम बनाया है उसी के तहत हम लोगों को, सभी लोगों को चलना है। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम है, बॉडी का ज़रूरत है, जिस प्रकार से हार्ट चलता है 24 घंटा चलता है, उस प्रकार से सांसें भी 24 घंटा चलती हैं, और सांसें ख़त्म तो आदमी नाम नहीं, सिर्फ एक मिट्टी बन जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि फला शख्स, लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई, जब तक कि वो जिंदा सांसें रहती हैं, रूह रहती है, तब तक उसका नाम रहता है, और जैसे ही रूह निकलती है वैसे ही आप जान रहे हो, बड़ी दर्द की बात है कि लोग उसको मिट्टी कह देते हैं, डेड बॉडी को मिट्टी कह देते हैं, कि मिट्टी कब करोगे, कहाँ करोगे, किस शमशान घाट में करोगे, किस कब्रिस्तान में करोगे। तो जब तक जिंदा है तो इस जिंदा दिली को आगे बढ़ाएं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि तमाम लोगों के पास पैसा नहीं है जो 25,000 का, 20,000 का, 15,000 का एक दिन में खर्च करें, और कई दिन लगाना पड़ जाए, हफ्ता भर, 10 दिन 15 दिन 12 दिन। तो इस चीज़ को हम समाज में अपने लिए, उन गरीब लोगों के लिए जो ऑक्सीजन नहीं खरीद सकते हैं, कितने लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था ना होने के, पैसा होने के बावजूद भी शॉर्टेज हुई और ऑक्सीजन ना होने की वजह से मेरे कई रिलेटिव लोग इस चीज़ का शिकार हुए। तो उन लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने कहा अब की मैं जब बात करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पे, कि कम से कम हम लोग कुछ ऐसा कर जाए। मैंने इस पर रात में 2 बजे तक प्लान किया है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। तो हर संस्था में 100-50 लोग जरूर होते हैं जो सक्रिय होते हैं, 100-50 में कम से कम 20 लोग जरूर सक्रिय होते हैं जो कम से कम 10-10 पेज लगाने का काम कर सकते हैं, 11 पेज अपने श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। ये कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप बहुत महंगा 1000 का पेड़ एक लाइए तब लगाइए, यहाँ पे कोई फोटो वाली बात नहीं होती है कि आपको कोई वृक्षारोपण करना, लेकिन करना है तो करना है, इस चीज़ को आप ठान लीजिए। तो इस चीज़ को हमेशा ठान लीजिए कि करना है, करना है। और मैं अगले रविवार को आपके सामने फिर पुनः प्रस्तुत हूँगा इसके लिए। और आपने दिव्यांगम चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और इसका जितने भी एपिसोड हैं दिव्यांगम चैनल यूट्यूब पे डालिए और सर्च मारिए, उस पर जितने भी दिव्यांगम चैनल है उन सबको हमेशा देखते रहिए, क्योंकि वॉच टाइम बढ़ेगा तो हम लोग विकलांगों के हित में कुछ काम कर सकेंगे, कुछ बात कर सकेंगे, कुछ उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। इसलिए आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलता हूँ अगले रविवार 11 पेड़ों के साथ में, 11 पेड़ों के फोटोज़ के साथ में अलग अलग जगहों पे, और इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।